हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर भी काफी ज्यादा थम कर रह गए हैं। और जो भी लोग इस सारी जिंदगी में सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, वो यकीनन डिप्रेशन के शिकार होते हैं। डिप्रेशन यानी कि अवसाद, एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर इंसान बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करता है और चाह कर भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाता है। क्या आप जानते हैं कि इंसान को डिप्रेशन कैसे होता है? चलिए आज जानते हैं मेरी इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, किसी को भी अपनी मदद नहीं करने देता है, हमेशा चुप रहता है और किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, तो ये सारे कारण उसे डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ना ही तो उसे बहुत भूख लगती है, तो कभी कभी उसका अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे 2 से 3 लोगों की भूख सताने लगती है। वो पूरा दिन खाता ही रहता है, जिसकी वजह से वो ना केवल डिप्रेशन बल्कि ओवर ईटिंग का शिकार भी बन जाता है और आगे जाकर ये सारी चीजें उसके वेट को काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसे समझ में आता है कि अगर हमने पहले ही अपनी देखरेख की होती, दूसरों की बातें सुनी होती, तो शायद आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। कई लोगों को डिप्रेशन अपनी हार की वजह से होता है, तो कई लोगों को डिप्रेशन सामाजिक गतिविधियों की वजह से होता है। लोग कुछ तो हमेशा ही कहते हैं, क्योंकि उनका काम कहना ही होता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं। लोगों के कहने के अनुसार चलना चाहते हैं या फिर अपने अनुसार चलना चाहते हैं? हमें सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन केवल उतनी ही जितनी हम हजम कर सके। अगर हम जरूरत से ज्यादा सबको साथ में लेकर चलते हैं, तो उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसीलिए सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने लेवल तक रहकर ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। अपने लेवल से बाहर जाकर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, या फिर आप अपने किसी परिजन को या फिर किसी दोस्त को इस स्थिति में जाते हुए देख रहे हैं, तो आपको उसे उस स्थिति से बाहर निकालना चाहिए। डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को कभी भी अकेला ना छोड़े। अकेलापन महसूस करना यानी कि और डिप्रेस्ड हो जाना। अच्छे अच्छे नए दोस्त बनाइए, उनके साथ बैठिए, क्रिएटिव चीजें सीखिए। अगर आपको कोई और शौक अपनाना है, तो आप कोई और शौक अपना सकते हैं, जैसे कि आप फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं, फोटोग्राफी सीख सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों के अंदर हमें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है और इसी वजह से हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाता है। और जब हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है, तो हम ज्यादा क्रिएटिव होकर सोच सकते हैं और डिप्रेशन की स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को अपनी मदद करने दें। अकेला ना बैठे, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। अगर आप ओवर ईटिंग का शिकार हैं, तो डाइटिंग करना शुरू करें। अगर आप बहुत कम खाते हैं, तो खाना खाना शुरू करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी बॉडी को भी मेंटेन रख पाएंगे। दोस्तों, फूड हमारे मूड को जरा सी देर में लिफ्ट कर देता है, इसीलिए ऐसी चीजों का सेवन संतुलित मात्रा में करें, जिससे आपका मूड भी ठीक हो जाए और आपकी बॉडी भी संतुलित रहे। सो दोस्तों, अगर डिप्रेशन का आप शिकार हो रहे हैं या फिर किसी को होता हुआ देख रहे हैं, तो उसे तुरंत बचाइए और उसे डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकालिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।